माहे करीम इफ्तार ट्रांसमिशन में एक बार फिर से आप सबको खुशामदीद। हम लोग अब मौजूद हैं शेफ हिना तारिक के साथ। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक हूँ, जैसे कल थी वैसी आज भी हूँ। रीच की खुशियाँ दोबाला हो जाती हैं जब इनको सामने खाना नजर आ जाता है। बिल्कुल, एनर्जी बहाल हो जाती है ना। इफ्तार के औकात इतने करीब हैं और उसमें इतनी मजे मजे की खुशबू है और नई नई डिशेज हम रोजाना सीखते हैं। वेरी इंटरेस्टिंग, और मुझे वाकई में बहुत खुशी होती है। सीखते भी हैं, खाते भी हैं, इंजॉय भी करते हैं और बहुत इजी होती है। इस वजह से मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आप इतने कम टाइम पीरियड में इतनी मज़े मजे की चीज़ें हमें सिखाते हैं। बहुत शुक्रिया, कोशिश यही होती है। और ख़ास तौर पर कल वाला, परसों वाला, उससे एक दिन पहले वाला, ये सारे मेन्यूज जो हैं बहुत ही मज़े मजे के। कल जो हम लोगों ने वाइट पास्ता था अलबन, ठीक है, वो भी बहुत उमदा था, तो उसके लिए भी थम्स अप। बहुत शुक्रिया। उम्मीद है कि जिन्होंने देखा है अगर बनाना चाहें और सही रेसिपी फॉलो करें तो उनके लिए भी इजी रहेगा इंशाल्लाह। आज हम क्या बना रहे हैं? आज एक अरेबिक डिज़र्ट बनाएंगे क्योंकि बहुत दिनों से नमकीन चीज़ें बन रही हैं, तो आज कुछ मीठे पे काम करते हैं। तो मीठा ऐसा चूज़ किया मैंने जो फटाफट बन जाएगा, मुश्किल नहीं होगा। आप जब देखेंगे हमारी एपिसोड भी है फतेह मक्का, खुशी का दिन, खुशी का दिन और अरब से रिलेटेड, और हम डिश भी अरब देखें क्या कॉम्बिनेशन बना हर चीज़ के। अच्छा, बहुत ही आसान सी रेसिपी है और घर पे तो सब चीजें होती हैं, जैसे कि आपको नजर आ रही है मेरे पास यहाँ पे क्रीम, फुल क्रीम, हाँ टेट्रा पैक क्रीम है। इस रेसिपी में टेट्रा पैक क्रीम का ही इस्तेमाल होगा, उसके बगैर इसका फ्लेवर नहीं आएगा। मैं भी सीखूंगा कि मैं भी इसको बना सकता हूँ, ऐसा लग रहा है मुझे। अब आप देखिए चीजें कितनी है, क्रीम है इसके साथ मेरे पास है, एक कप चीनी है, उसके अलावा मेरे पास जो घर पे आपके अमूमन होती है किशमिश, बादाम, पिस्ता, वो आपके आपके मुताबिक आपको कितना पसंद है। क्रोसॉन्ट्स है, दूध है। क्रोसॉन्ट्स हर जगह मिल जाते हैं, बेकरीज पर आसानी से मिल जाते हैं। नहीं मिलते तो इसका बहुत आसान हल है, जो आम हम हमेशा बचपन में भी खाते हैं, बाकरखानी। तो हाँ, क्रिस्पी सी बाकरखानी, खैर वो तो एक्स्ट्रा मज़े की लगेगी। अगर आप इसके साथ बनाना चाहें ये इस्तेमाल करें, अगर ये नहीं आपके पास अवेलेबल तो बाकरखानी तो मेरे ख्याल से हर गली हर मोहल्ले में मिल जाती है, तो फिर आपने वो इस्तेमाल कर लेनी है। अच्छा, इसके बटर है ये, क्योंकि नॉर्मली बटर भी होता है इसमें, चॉकलेट भी डली होती है, तो वो ये प्लेन क्रोसॉन्ट्स हैं, इनकी सादी बाकरखानी है, तो इसमें और कोई चीज़ ऐड नहीं की हुई क्योंकि बेक हुए होते हैं। बाकरखानी जो तंदूर में बनती है वो भी बिल्कुल फीकी सी होती है, और ये इसके अंदर चलो फ्लेवर होता है, बटर का इस्तेमाल होता है इसमें, तो वो जरा और रिचनेस दे देता है। तो रेसिपी बहुत ही आसान सी है। हमने कहां से आगाज करना? हम आगाज करेंगे चूल्हा जलाने से, क्योंकि हमने इस दूध को गर्म करना है और इसके अंदर हम शुगर ऐड कर रहे हैं। नहीं, वो पैन हमने किसी और चीज के लिए रखा था, लेकिन हम उसको नहीं इस्तेमाल करने वाले। अच्छा, ये फुल क्रीम दूध है, अगर आपके घर पर खुला दूध आता है आप वो इस्तेमाल कर लें, लेकिन उसकी बलाई मत उतारिएगा क्योंकि फिर वो बिल्कुल पतला सा होगा तो उसका मज़ा नहीं आएगा। तो ये चूँकि मेरे पास यहाँ पर है 6 क्रोसॉन्ट्स और हैवी माशाल्लाह बड़े बड़े से, तो मैंने ये तकरीबन आधा किलो दूध ले लिया है, और इसमें मैं ये 1 कप चीनी इस्तेमाल कर रही हूँ। आपको अगर चीनी नहीं पसंद, आप शक्कर जो रेगुलर ब्राउन है वो इस्तेमाल कर लें, हाँ गुड़ इस्तेमाल कर लें। आई लाइक इट, क्योंकि आप ये भी हमेशा कहती हैं कि बिल्कुल, क्योंकि देसी की तरफ जाना चाहिए ना, देसी साइड पे जाना चाहिए। अच्छा, अगर आप चाहें तो चीनी पीसी भी इस्तेमाल करना चाहें तो वो इस्तेमाल कर लें, और अगर इस तरह आप गर्म करके दूध को इसको इतना पकाएंगे आपके थोड़े से ये थिक हो जाए, और साथ ही साथ जो है ना, हम जब थोड़ा सा ये थिक हो जाएगा तो इस जो टेट्रा पैक की क्रीम है इसमें थोड़ा सा दूध ऐड करके इसको विस्क करके हम इसी में ऐड करेंगे और इसको 2-3 मिनट इसको पकाएंगे ताकि जरा गाढ़ा हो जाए। मीनवाइल हम ये करेंगे कि ये क्रोसॉन्ट्स जो है ना, ये हम एक डिश में असेंबल कर लेंगे। तो हमें एक डिश दीजिए जो थोड़ी सी डीप डिश हो, क्योंकि जब हम क्रोसॉन्ट्स को तोड़ के डालेंगे या बाकरखानी को, और उसके ऊपर हम ये दूध और क्रीम का जो मिक्सचर है ये ऐड करेंगे, तो इतना हो कि वो उसमें डिप हो जाए। लंबे करते ये फायदा होता है, इनको भी नहीं पता डिशेज का। कल कह रहे थे कि मुझे नहीं किचन का आइडिया, यस आपको किचन बहुत अच्छे से पता चल गया है ना। अच्छा, ये बस ऐसे ही हाथ से तोड़ तोड़ के आप इसमें रख दें। लास्ट पे ये होगा कि जब हम ये क्रीम और दूध का मिक्सचर ऐड कर लेंगे और उसके ऊपर हम ऐड करेंगे नट्स जितने भी हैं। अगर तो आपके घर पर अमन मौजूद है बेकिंग वाला, तो आपने ये करना है कि आपने प्रीहीटेड ओवन के अंदर इसको 4-5 मिनट के लिए रखना है। उसकी वजह यह है कि ऊपर से जो ना बड़ा खूबसूरत कलर आ जाएगा गोल्डन सा। लेकिन अगर नहीं है तो कोई ऐसी बात नहीं कि आप कहें कि ये डिश बनेगी नहीं इसके बगैर, तो हमारी कोशिश यही कि ऐसी रेसिपी लेकर आए जो आसानी से आसानी से। और अभी तक में ऐसे ही हुए, हम ये बचाएंगे नहीं, हम ये सारा ही इसमें रख लेंगे। वैसे हमारी डिश थोड़ी सी छोटी और सज्जी का कर लें आप। हाँ बस, ये सब आपस में बहन भाई हैं, मिलते जुलते से।
अच्छा हूं चीनी हमने चूंकि अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इस्तेमाल करनी है, तो वो आपकी मर्जी है, ये कोई मुश्किल रेसिपी तो है नहीं। अच्छा अगर आप नहीं, मैंने डिश इसके लिए रखा। अच्छा ओके बिल्कुल जी, इसको तो मैं भी ट्राई करूंगा डेफिनेटली अपने घर पे। गरम गरम भी खाएं तो बहुत मजे की है, और अगर ठंडा करके खाना चाहे तब भी बहुत टेस्टी है ये। थैंक यू सो मच। अगर हम चलते हैं उस साइड पे। अच्छा एक चीज मैं और बताना चाहूंगी, वैसे जो ये डिश हम लोग हाँ मतलब पूछ लेते हैं कि अभी आपका नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा। मेरा नेक्स्ट प्रोसेस बस इतना सा है कि ये थोड़ा सा बॉईल हो गया, ठीक है, दूध थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए, ठीक है, चीनी अच्छे से डिसॉल्व हो जाए, ठीक है, और फिर मैं क्रीम इसके अंदर ऐड कर दूंगी, ठीक है, और आधे नट्स मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी ताकि मिक्स हो जाए और थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए, और फिर उसके बाद मैं ये सारा मिक्सचर इसके ऊपर पोर कर दूंगी, और जितने कुछ नट्स मैं बचा लूंगी गार्निशिंग के लिए वो इसके ऊपर रख के। बेहतरीन मुलाकात होती है आपसे। आए हरीश, आज मैं भी आपका साथ देने जा रही हूं। जी जरूर, आप पहले, मैं तो कहता हूँ आप पहले जाएं, ठीक है, आप बिल्कुल पहुंचे। और अब हम लोग भी बढ़े हैं अपने उस सेगमेंट की तरफ जिसमें दो शख्सियत हमारे साथ मौजूद होंगी जिनसे अक्सर मेरी नाराजगी चलती रहती है, क्योंकि ये जो बातें करते हैं उनसे किसी हद तक हम लोग सहमत रखते हैं, लेकिन जहाँ पर इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें सिखाई जा रही हों उसके बाद इनकी बातें सुनने को दिल नहीं। लेकिन मुश्किल होता है ना, यहाँ पर हम लोग सीखते हैं, वहाँ पर हम लोग उसी के अपोजिट चीज़ें कर रहे होते हैं। लेकिन दो प्यारी सी शख्सियत, शिहान आकाश और डॉक्टर कशफ हुसैन, कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, सलामत रहें, खुश रहें। डॉक्टर साहिबा, क्या आज हम लोग करने लगे? आज हम बात करने वाले हैं स्पेसिफिकली एक डाइट के बारे में। ये डाइट है, कह सकते हैं हाइपरटेंशन के पेशेंट्स के लिए, हाई बीपी के पेशेंट्स के लिए बहुत इफेक्टिव डाइट है। इस डाइट की तरफ आने से पहले, क्योंकि इसका बड़ा अनोखा सा नाम है, आप लोग भी हैरान होने वाले हैं, थोड़ा सा मैं इसकी हिस्ट्री के बारे में बता देती हूँ, ठीक है। ये बिल्कुल भी वो डाइट नहीं है जिसमें आपको 16-17 घंटे भूखे रहना है और आपने जो है वो कुछ भी नहीं खाना, हरगिज़ ऐसा नहीं है, ठीक है। ये जो डाइट रह चुकी है, ये 2015 से लेकर 2020 के दरमियान तक पूरी दुनिया की पहली तीन जो थी ना हेल्दी डाइट्स, उसमें से एक डाइट रह चुकी है, और 2018 में ये दुनिया की नंबर वन हेल्दी डाइट रह चुकी है। जो है एब्रीविएशन वो है डाइटरी अप्रोचेस टू स्टॉप हाइपरटेंशन। डाइटरी अप्रोचेस टू स्टॉप हाइपरटेंशन, डाइटरी अप्रोचेस मतलब आपकी ईटिंग पैटर्न्स एंड हाइपरटेंशन, नॉर्मली हम कहते हैं हाई ब्लड प्रेशर। ये पाकिस्तान में हर दूसरे शख्स को मसला है, बताइए इसके बारे में। पहले तो ये होता था कि नॉर्मली जो मतलब कंसिडर किए गए थे फिगर्स 120/80, अब जो हमारा इन्वायरमेंट है, हमारे ईटिंग पैटर्न्स हैं, WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसको 130/90 कर दिया है। मतलब नॉर्मल ब्लड प्रेशर रेंज है वो 130/90 हो चुकी है, पहले 120/80 थी, अब ये 130/90 जो हो गया वो 90 हो चुकी है। मतलब कि ऑटोमेटिकली थोड़ा सा राइज आ गया इसमें, एनवायरनमेंट की वजह से, हमारे खाने की वजह से, हम जो आजकल बहुत जंक फूड खा रहे हैं उसकी वजह से इसमें बहुत ज्यादा राइज। तो ये डैश डाइट क्या है, कैसे शुरू होती है, क्या क्या चीजें इसमें? डैश डाइट में जो है ना, सबसे पहली बात मैं अपने व्यूअर्स को ये खुशखबरी देना चाहती हूँ कि इसमें आप लोगों ने भूखा नहीं रहना। वाह, दोस्ती होगी। और दूसरी बात, इसमें सिर्फ आप लोगों ने वेजिटेबल्स और फ्रूट भी नहीं खाने, लेकिन हर चीज आपने एक लिमिट में खानी है, ठीक है। इस सबसे पहले ये कि इसमें वाकई सबसे पहले तो ये है कि इसमें वेजिटेबल्स और फ्रूट्स बहुत ज्यादा मिकदार में पाए जाते हैं, लेकिन उसके साथ साथ आप इसमें छोटा गोश्त भी खा सकते हैं। मेक श्योर वो ग्रेवी की फॉर्म में हो, ठीक है, ज्यादा भुना हुआ ना हो। इसमें आप मुर्गी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उस पर जो आपको विजिबल फैट नजर आता है वो आपको इससे रिमूव करना होगा, ठीक है। आप इसमें नट्स भी ले सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स भी ले सकते हैं, ठीक है, बट मेक श्योर वो रोस्टेड ना और सॉल्टेड ना हो, ठीक है, रॉ फॉर्म में आप उनको कंज्यूम करें। उसके साथ आप इसमें फिश भी इस्तेमाल करते हैं, स्पेसिफिकली सैल्मन एंड ट्यूना आप खा सकते हैं। इन चीज़ों को आपने ग्रिल्ड या बेक्ड फॉर्म में लेना है, ठीक है, डीप फ्राइंग चीज़ों से आपने खुद को दूर रखना है, ठीक है। उसके अलावा आपने इसमें कौन सी चीज़ें नहीं खानी, वो ये कि नमक आपने कम इस्तेमाल करना है, ठीक है। उसके साथ साथ आपने इसमें चीनी बिल्कुल नहीं लेनी, चीनी अगर आप फिर भी लेना चाहते हैं तो आप शक्कर लें, चीनी मत लें, ठीक है। ये कह सकते हैं वाइट पॉइजन है, जो आप खुद के लिए जो है ना वो खुद ही आप अपना जिस्म तबाह कर रहे हैं, सही बात, ठीक है। इसके साथ आपने खाते हैं चीनी तो ऐसी है जिससे हमारी हर इस एज में हमें अफेक्ट नहीं करती, लेकिन हमारे लेट 40s में जब आप 40 साल से ऊपर चले जाते हैं तो फिर अपने साइड इफेक्ट जो है ना वो शो करना स्टार्ट कर, शुगर हर दूसरे घर की अब तो बीमारी बन गई। वाकई। अच्छा एक और चीज़, ये जो डाइटरी अप्रोच टू स्टॉप हाइपरटेंशन है,
ये डाइट शुगर पेशेंट्स भी फॉलो कर सकते हैं और दिल के मरीज भी फॉलो कर सकते हैं। चलें हम लोग साथ साथ शिहान की तरफ भी चलते हैं और उनसे भी पूछते हैं कि आज वो क्या हमें सिखाने लगे हैं। और इसके साथ साथ सवाल हमारा ये है, जिस सवाल के बाद हम लोग आज सीखेंगे आज की एक्सरसाइज, कि सिर्फ डाइट से कंट्रोल हो जाता है बीपी या कोई हमारी एक्सरसाइज भी हैं, फिजिकल एक्टिविटीज़ भी हैं जिनसे बीपी कंट्रोल होता है हाइपरटेंशन के मरीजों को, वो भी कुछ रिकमेंड करें। अच्छा, ये बड़ा अच्छा आपने सवाल किया, बल्कि ऑफ कैमरा अरीज भी ये पूछना चाह रही थी, कहती हैं कि मुझे भी अक्सर बीपी का इशू हो जाता है और क्या कोई ऐसी एक्सरसाइज या ऐसी कोई चीज़ है कि जिससे आप जो है वो रिलीफ कर सकते हैं। तो देखिए, एक्सरसाइज एक ऐसी चीज़ है कि आपकी कोई भी आपको प्रॉब्लम होती है, कहीं पे भी पेन होता है, लाइक आपको बैक पेन हो गया या किसी भी जिस्म के हिस्से में कोई ऐसी चीज़ होती है, तो मेडिसिन के अलावा आप एक्सरसाइज से अपने आप को रिकवर कर सकते हैं। तो बीपी के लिए एक बड़ी आसान सी टिप है, मैं चाहूँगा कि हमारे व्यूवर्स को भी हम वो दें और उससे वो घर बैठे फ़ायदा उठा सकते हैं, कि अगर आपके पास फ़ौरन कोई मेडिसिन नहीं है तो योगा के अंदर आती है, जिसके अंदर हम ये कहते हैं आप फिंगर्स को ऐसे कर लें, आप नाक के ऊपर रखेंगे यूँ, सांस को खींचेंगे आप, यहाँ से आप बंद कर लेंगे और वापस निकालेंगे सांस। एक नॉस्ट्रिल से इनहेल करना, दूसरे से एक्सहेल करना। बिल्कुल। ओह नाइस। इसको आप 2-3 मिनट करेंगे, अपनी आंखों को बंद रखेंगे और बिल्कुल रिलैक्स फील करेंगे। जैसे ही आप करेंगे, अगर आपके पास बीपी ऑपरेटर है घर में, आप चेक करें, आप 4-5 मिनट के अंदर आप अपने आप को उस सिचुएशन में से बाहर निकालेंगे। बड़ी आसान सी टेक्निक है। इसके साथ साथ आप ब्रीदिंग गुस्सा आए ठीक है तो उसमें भी बिल्कुल बिल्कुल उसमें भी कर सकते हैं आप। देखिए, गुस्सा भी, जब आपको गुस्सा आता है तो आपका हाइपरटेंशन में चला जाता है, बीपी आपका हाई होता है। इसके साथ साथ आप सांस के साथ किस तरह से आप सांस को लेंगे, नाक से आपने इनहेल करना है और मुंह से आप एक्सहेल करेंगे। ये दो छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं हमारे। इसके साथ साथ एक प्रेशर पॉइंट है, मैं चाहूंगा ये भी मैं बता दूं कि ये जो आपके थंब के साथ ये वाला हिस्सा है, आप इसको यहाँ से प्रेस करेंगे यूं, 1, 2, 3, 4, 10-12 दफ़ा आप इसको प्रेस करेंगे तो तब भी आप अपने आप को बड़ा रिलैक्स फील करेंगे। इसके साथ साथ हम अपना सेगमेंट अच्छा, आगे बढ़ाएंगे। हाँ बिल्कुल बढ़ाएंगे। मुझे ये बताएं, ये जो ये वाली फिलॉसफी है ये क्या वो वाली है, वो हमारे पास जो आते हैं डिफरेंट प्रेशर पॉइंट्स? यस, प्रेशर पॉइंट्स, प्रेशर पॉइंट। अच्छा, इसके अंदर क्योंकि हम सेल्फ डिफेंस सेगमेंट्स भी अक्सर करते हैं, तो ये प्रेशर पॉइंट्स ही वो होते हैं कि जो हम नॉर्मली सेल्फ डिफेंस के लिए भी सिखाते हैं। अगर आप यहाँ पे करेंगे तो आपको पेन फील होगा, अगर आप जोर से करेंगे ठीक है। तो इस तरह के मुख्तलिफ प्रेशर पॉइंट्स होते हैं मुख्तलिफ चीज़ों के लिए, जिसको आप करके तो ये करते हैं, ये पॉइंट्स बताया जाता है। इसके साथ साथ ये थर्ड फिंगर हमारी जो है, इसमें भी बताया जाता है कि अगर आप इसको भी करें तो इससे भी आपका जो ब्लड प्रेशर है उसमें आपको रिलीफ मिलता है। मुझे याद है, जैसे हम अंगूठी भी पहनते हैं ना, कि इसका ताल्लुक जो दिल से होता है। अब याद रह सकता है, अब रह सकते हैं कि इसको दबाएंगे तो इसका ताल्लुक दिल से आपके फील आएगी। नाइस जी। हाँ, तो हम बढ़ते हैं मैट की तरफ। इसके साथ साथ नजम, हम आज ये कोशिश करेंगे कि स्पेशल इसकी डिमांड थी कि मुझे कुछ हमारे साथी कह रहे थे कि जी हम जो है एक्सरसाइजेस तो हमें अक्सर पता होती हैं, तो आप एंगल्स के ऊपर जरूर बात कीजिए। तो आज हम जो है इसके साथ साथ ये भी कोशिश करेंगे कि हम उसके एंगल्स भी बता सकें। अच्छा, हमने जो है वो ABC वाला वर्कआउट स्टार्ट किया था, मैंने आपको बताया था कि हमने A से लेके Z तक एक प्लान किया है और हमारे जो व्यूवर्स हैं वो घर में उसको लिखेंगे और प्लान करेंगे। तो आज हम जो है सबसे पहले एक्सरसाइज करने वाले हैं वो बर्पीज हैं। तो वहाँ पर भी देखती हूँ। हाँ बिल्कुल, आप उधर भी साथ साथ मैनेज करें जी। सबसे पहले हम करेंगे बर्पीज और उसको हम हाथ रखेंगे यूँ ठीक है। अच्छा, आपने मुख्तलिफ लोगों को करते देखा होगा, ये बड़ी एक्सरसाइज है, कॉमन एक्सरसाइज है कि जो हर बंदा करता है। उसके अंदर वो यूं करते हैं, यूं कुछ नीचे जाके पांव पीछे करके और आगे आते हैं। अच्छा, इसके अंदर जब आप कोई भी एक्सरसाइज अगर प्रॉपर टेक्निक से नजम नहीं करते हैं तो वो आपको बिल्ड करने के बजाय आपको डैमेज करना शुरू कर देती है। यानी अब ये इस तरह की एक्सरसाइज है कि अगर एक ओवरवेट बंदा है तो अगर वो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा जोर लगाएगा तो उसके नीज के ऊपर भी प्रेशर आ रहा है ठीक है, उसकी कमर के ऊपर भी प्रेशर आ रहा है। अगर आप यूं करके अपना वजन यूं फेंक देंगे, आपकी बॉडी पोस्चर नहीं है, आपको एंगल्स का नहीं पता है, तो आप बजाय अपने आप को बिल्ड करें या आप जो है किसी बेहतरी की तरफ जाएँ, आप नुकसान की तरफ जाएंगे। तो एंगल्स ज़रूर सीखिए। इस पर आपने करना क्या है, आपके हाथ यहाँ पे ठीक है जी, लाइट से आप जंप लेंगे। जंप हम जब भी करते हैं तो पाँव के पंजों के ऊपर जंप करते हैं ठीक है जी। हमने लाइट से जंप लिया, नीचे आएंगे, हाथ रखे हैं हमने बीच में ठीक है जी। मैं आपको दोबारा ये करके दिखाऊंगा, ये है जंप लिया, नीचे आएंगे, हाथ रखे हैं हमने बीच में। अच्छा, अब नीचे हम कैसे जा रहे हैं, जिस पोजिशन में हम स्क्वाट में जाते हैं ये ठीक है, सेम इसी तरह से जाना है आपने। स्क्वाट वाली पोजिशन में हम ये नीचे गए, या मेरी बॉडी को देख रहे हैं, स्क्वाट वाली पोजिशन में मैं नीचे गया, हाथ रखे ये
बैक। अच्छा, ये जो बैक होगा तो बिल्कुल हमारा जो पुशअप और प्लैंक वाली पोजिशन है ये है, ठीक है, यहीं से हमने आना है वापस, ठीक है, इसके बाद वापस हम खड़े हुए। अच्छा, अब ये इस पर गौर कीजिएगा, जब हम पीछे जाते हैं तो उस पर क्या होगा, लोग करते हैं यूं, कुछ यूं कर लेंगे, इसको आपने कंट्रोल रखना है। वाह, ठीक है जी। इसके बाद है स्क्वाट्स किए थे हमने, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बस थोड़ी सी तवज्जो देने की ज़रूरत होती है। बिल्कुल, अब हम करेंगे आज नैरो स्क्वाट्स करेंगे, पहले हमने कल किए थे सिंपल, ये आज हम करेंगे नैरो। नाम से जाहिर है कि लेग्स को हम क्लोज कर लेंगे, Two, three, four. अच्छा, कल जो हमने किए थे आकाश, उससे क्या चीज हमारी हिट हो रही थी और आज ये नैरो से क्या हिट? अच्छा, ये हमारे बड़े मसल्स जो हैं हम उनको हिट करते हैं, जैसे थाई है, हिप्स को कर रहे हैं, जिसमें हम वेट कम करना चाहते हैं, चेस्ट के ऊपर आप काम करते हैं, तो मैं जो आपको बता रहा हूँ बड़े मसल्स का बता रहा हूँ, ठीक है जी। आज हम जा रहे हैं प्लैंक्स में। अच्छा, कहते हैं अगर टाइम को रोकना हो ना तो आप प्लैंक कर ले, सही क्योंकि उसके बाद टाइम गुजरता ही नहीं है, इट्स वेरी हार्ड। अच्छा जी, इसके अंदर ये अब आप देख रहे हैं कि मैं कैसे हूँ, इसके अंदर हमारी कुछ गलतियाँ हैं। हम क्या करेंगे कि नॉर्मली लोग जब करते हैं वो इस पोजीशन में आके यहाँ से यूँ करेंगे, कमर उन्होंने ऊपर उठाई हुई है और ज़्यादा वेट जो है अपने शोल्डर और बाजुओं पर डाला हुआ, ठीक है, और कुछ लोग करेंगे वो यूँ करेंगे, यूँ, या वो बिल्कुल नीचे होंगे, ठीक है, इस तरह से। अच्छा, इसमें भी आपने करना ये है कि बॉडी को अपनी बिल्कुल आपने सीधा रखना है और जोर आपने पेट पे डालना है। अच्छा, इस तरह करने में और ऐसे करने में फर्क है, क्योंकि मैं तो ऐसे करती हूँ। अच्छा, आप ऐसे भी कर सकते हैं, उसमें देखें आप हाथ यूँ भी रख सकते हैं, यूँ भी रख सकते हैं, यूँ भी रख सकते हैं, इसके अंदर हाथों का इतना ज्यादा काम नहीं है, ये आपकी सपोर्ट के लिए, लेकिन वजन जो है आपका पेट के ऊपर पड़ना चाहिए। अब ये देखें, ये बिल्कुल एक एंगल है जहाँ पे मैं सीधा हूँ, अगर यहाँ से मैं थोड़ा सा नीचे जाऊंगा तो मेरी कमर पे पड़ रहा है, ये डेंजरस है, ठीक है, ऊपर चला जाऊंगा तो तब भी मुझे पेट पे जोर नहीं पड़ रहा है। ये एक एंगल है जहाँ पे आप बॉडी को सीधा रखेंगे आपको खुद फील होगा, मतलब कि स्ट्रेट पोस्चर होना चाहिए। इसको आप टाइम सेट करके 1 मिनट कर सकते हैं, क्या बात, आप 2 मिनट कर सकते हैं, या आप जितना भी गाउंड करें, हस्बे इस्तेतात हस्बे तौफीक। ये इतने मजे की नजम एक्सरसाइज है कि अगर आप कुछ नहीं भी करते हैं, सिर्फ ये कर लें, 1 मिनट करेंगे तो आप फुल स्वेट हो जाएंगे और आपको पता चलेगा कि आपकी बॉडी के ऊपर कितना जोर है। अच्छा जी, इसके बाद हम कर रहे हैं पुशअप से जाएंगे हम प्लैंक में। अच्छा, पुशअप का मैंने आपको बता दिया था कि हम लोग सिर्फ नीचे जाने को समझते हैं पुशअप, शोल्डर आपका जितना है उससे एक स्टेप आप बैठ जाएंगे, ठीक है जी, ये हाथ रख लेंगे, हम इस तरह से पुशअप करते हैं। अब हम पुशअप से जाएंगे प्लैंक में, ये यस यस, वापस। हमारे लिए रोजे के दौरान इतनी एक्सरसाइजेस करते हैं, ये हम नॉर्मल लाइफ में भी ना करते, कितना मुश्किल होता है ये चीज करना। तो ये आज का हमारा वर्ल्ड था, वेल डन, वेल डन, जो कि हमने बताया, और मुझे उम्मीद है कि हमारे व्यूअर्स इसको फॉलो कर रहे होंगे और इससे फायदा उठाएंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा। डॉक्टर साहब, आप प्लैंक कभी किया आपने? ठीक है, मैंने तो देखा ही पहली दफा है। अच्छा, तो मतलब आपने अपने आप को न्यूट्रिशन जो है ना उसी के थ्रू जो है कंट्रोल रखा हुआ है, डाइट को ही फॉलो करते हैं। लेकिन वर्कआउट भी बहुत जरूरी है, वार्म अप और हल्का फुल्का रनिंग वगैरह हो जाती है, हल्की फुल्की हो जाती है। यहाँ पे भी देखिए आप, अच्छा यहाँ पर हमारी डिश देख सकते बस हैं आप। एक लास्ट एक सवाल होगा आपसे, एक ड्यूरेशन बता दें इस डैश डाइट की, और अगर एक नॉर्मल बंदे ने शुरू करनी हो तो जरा बताएं कि एक दिन की क्या जो है वो रूटीन है। ठीक है, इसका ड्यूरेशन जो है, अगर आपका जो ब्लड प्रेशर है वो 140-150 नॉर्मली रहता है, ठीक है, हाई ब्लड प्रेशर में, तो 15 डेज तक आपने इसको फॉलो करना है, ठीक है, 15 दिन तक आपने उसको फॉलो करना है। और इसमें एज आई ऑलरेडी मेंशन कि कोई इतने खास ईटिंग पैटर्न्स नहीं है, ठीक है, बस आपने थोड़ा सा अपना शुगर और सॉल्ट इनटेक को आपने कंट्रोल करना है, 15 दिन तक आपने उसको फॉलो करना है, और उसके बाद आपकी आहिस्ता आहिस्ता रूटीन बनती जाएगी, ठीक है। 15 डेज तक अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो नॉर्मली आपको पता है हमारे पास एक अपर रीडिंग्स होती है, एक लोअर रीडिंग्स होती है। अगर आपकी अपर रीडिंग नॉर्मली रहती है 140, तो 15 डेज के बाद उसमें ऑटोमेटिकली 11 पॉइंट्स का जो सिस्टोलिक है वो कम हो जाएगा, 140 से आ जाएगा ये 129-128 पर। और अगर आपका नॉर्मली नीचे वाला ब्लड प्रेशर जिसको हम कहते हैं डायस्टोलिक, वो रीडिंग्स अगर आपकी नॉर्मली रहती है 100 या 110, वो ऑटोमेटिकली 6 उसकी रीडिंग्स जो है ना वो कम हो जाएंगी 15 डेज के इस्तेमाल से। एक छोटा सा मैं व्यूअर्स के साथ डाइट प्लान शेयर कर देती हूँ, आप इसके ईटिंग पैटर्न्स को कैसे फॉलो कर सकते हैं।
आप स्टार्ट कर सकते हैं ठीक है ब्रेकफास्ट से। ब्रेकफास्ट में आप अंडा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो आप बॉयल फॉर्म में भी ले सकते हैं ठीक है। आप उसको हल्का सा क्या कर सकते हैं, आप फ्राई भी कर सकते हैं। ब्लड प्रेशर वाले लोग जो हैं ये अपनी जर्दी भी निकाल देते हैं अंडे। हाँ, लेकिन ब्लड प्रेशर आप खा सकते हैं ठीक है, इतना आपको नुकसान नहीं देते क्योंकि उसमें एसेंशियल विटामिन्स पाए जाते हैं। ऊपर अलग से आपने जो है ना वो नमक उस पर स्प्रिंकल नहीं करना, नमक छिड़क के नहीं खाना किसी भी खाने में ठीक है। उसके बाद आप इसके साथ जो है वो रोटी भी ले सकते हैं गंदम की, आप इसके साथ चाय भी ले सकते हैं, बट मेक श्योर चीनी नहीं लेनी आपने उसमें ठीक है। आपकी कोई वेजिटेबल बनी है आप वो भी खा सकते हैं। 11-12 बजे के दरमियान आपने अनसॉल्टेड ड्राई फ्रूट्स ले लेने अपनी मर्जी के, आप बादाम भी ले सकते हैं, आप पिस्ता भी ले सकते हैं, काजू भी ले सकते हैं। फिर इसकी एक शर्त है, दिन के खाने में अगर आप गोश्त ले रहे हैं तो आपने रात के खाने में नहीं लेने, और अगर आप रात के खाने में चावल ले रहे हैं तो दिन के खाने में नहीं लेने ठीक है। एक टाइम आपने सब्जी करनी है, रोटी करनी है, एक टाइम आपने गोश्त लेना है, चिकन करना है, उसके साथ आप चावल कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा, बहुत शुक्रिया आकाश। आज हमें ये भी मालूम हुआ कि सिर्फ और सिर्फ ये जो कहते हैं ना कि न्यूट्रिशन ये हाथ को रोकते ही हैं ठीक है और डाइट फॉलो करवाती हैं, नहीं, इसके बहुत सारे और भी फायदे हैं। मैं ये भी इनसे पूछना चाहूँगा आगे चल के किसी एपिसोड में कि स्किन के न्यूट्रिशन के साथ कोई इफेक्ट्स हैं या नहीं हैं, और उसके बारे में डॉक्टर साहब हमें गाइड करेंगे। हम लोग वापस किचन में चलते हैं अरीज के पास। जी अरीज, कहाँ तक पहुँची हैं आप? हमारी डिश बहुत ज़्यादा मतलब आखिरी मराहल पे है और हमने बहुत चीज़ें मिस भी कर दी हैं, जो हम इनसे जानना चाहेंगे कि हमने उस टाइम पर क्या किया। अरे हमने ये किया कि हमने ना दूध को और क्रीम को इतना पकाया है कि वो गाढ़ा सा हो गया है। अमूमन जैसे खोए की तरह लेके जाते हैं, खीर के लिए लेके जाते हैं, तो उसको थिक कर लिया। थिक करने से फिर ये कंसिस्टेंसी आ गई और फिर साथ साथ में इसके साथ डालती रही। अच्छा, गरम गरम तो मुझे ऐसी नजर आ रही है डिश की, आप यूं करके इसको यूं खाएंगे जिसमें आपको मतलब के फ्लूडी टच भी आएगा आपको और साथ मीठा जो टच है। जब ये ठंडा हो जाएगा तो फिर क्या ये बनते हैं, किस फॉर्म में? जब ये ठंडा हो जाएगा तो जाहिर सी बात है एक सॉलिड फॉर्म में आ जाएगा। हाँ। जिस तरह से केक होते हैं ठीक है, मट केक वगैरह, उस तरह ही थिक हो जाएगा। तब भी आपने इसको इसी तरह से ही निकाला, जिस तरह से कस्टर्ड होता है जब वो ठंडा हो जाता है तो जरा गाढ़ा हो जाता है। एग्जैक्टली, फिर वो इसकी वो फॉर्म आ जाएगी। तो बस ये इजी सी रेसिपी है, आज आप इसको बनाए इफ्तार पर एंजॉय करें। उमाली, उमाली, बहुत ही खूबसूरत किस्म की उमाली आपके सामने मौजूद है। सस्ती भी और आसान भी, सस्ती आसान, और मैं तो जरूर ट्राई करूंगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि गर्म खाएं तो गर्म खाएं, ठंडी खाएं तो ठंडी। वेल जी, एक छोटा सा वक्फा, वापस आएंगे, नन्हे मुन्ने फरिश्तों से मुलाकात करेंगे, कहीं मत जाइएगा हमारे साथ। फ्रेंड,